आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द चेंज इन डैश ऑफ द लाइट रेज व्हाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया है जो कि है रिफ्रैक्शन का डेफिनेशन, और इसमें से हमें कुछ पार्ट मिसिंग किया गया है जो हमें फाइंड करना है और फिल करना है। तो पहले हम इसको फिल करके पूरा सेंटेंस लिख लेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट रेज while going from one medium to another is called refraction of light। तो ये स्टेटमेंट हमें पूरा करके लिख लिया है, और ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये हमारा मिसिंग पार्ट हो गया, तो हमें स्टेटमेंट में दिया नहीं गया था जो हमने फिल कर लिया। तो इसको हम डायग्रामिक फॉर्म में देख लेंगे। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और ये मीडियम वन है और नीचे जो है मीडियम टू है, तो यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर ली पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। यहां से एक राइट रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्टिंग थ्रू दिस सरफेस, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल R आ जाएगा और इंसिडेंस एंगल I आ जाएगा। तो पहले लाइट क्या कर रही थी, यहाँ से ऐसे जा रही थी और सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन लाइट ने क्या किया, रिफ्रैक्शन की वजह से अपने पाथ को चेंज कर लिया और वो इस डायरेक्शन में चली गई। तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन, जो कि होता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो लाइट पहले यहाँ पे यहाँ से प्रोपेगेट हो रही थी इस लाइन से, लेकिन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बाद वो ऐसे प्रोपेगेट होने लगी। तो ये हो गया हमारा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। तो हमारा पूरा स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हमारे स्टेटमेंट का मिसिंग पार्ट हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।